वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शाम के 6 बज रहे हैं तो मेरा ब्लॉग अब शूट हो रहा है। आज थोड़ा लेट ही शूट हो रहा है बहुत दिनों के बाद। तो आज का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो रखा है। तो बहुत ही अच्छा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि बादल लग रखे हैं और इधर की साइड जो सूर्य है वो छिप गया है और सारे लोग अपने अपने छतों में इवनिंग वॉक कर रहे हैं और मैं भी छत में आ रखा हूँ। मैं बुआ जी के छत में हूँ तो ये देखो लौकी की बेल आ रखी है यहाँ ऊपर तक। बुआ जी ने यहाँ नीचे लौकी की बेल लगा रखी है और वो यहाँ ऊपर तक आ गई है यहाँ तक और फूल भी लगने लग गए हैं। यहाँ बेल को जाने के लिए थोड़ा सहारा दिया है और यहाँ तक पूरा ही सहारा दे रखा है। यहाँ तो लकड़ियाँ क्या लगानी, गांव में तो लकड़ियाँ लगाते हैं, यहाँ छतों में ऐसे ही डोरी बांध के उनको बेल को जाने के लिए थोड़ा सहारा दिया जाता है। ये देखो, बात की जाए तो सन भी सेट होने वाला है, थोड़ा सा रह रखा है इतना सा और इसके बाद सीधे रात होगी क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है, सूरज डूब रहा है और सीधे रात हो रही है। और मुझे तो लगा था क्योंकि बादलों के अंदर छिप गया था, मैं अभी उठ के आ रहा हूँ ऊपर, मुझे लगा कि सूरज जो है वो अस्त हो गया है, लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी फिर भी टाइम है। ये देखिए, अभी अस्त नहीं हुआ। तो मैंने बताया होगा कि अलकनंदा नदी है, बहुत बार बताया मैंने अपनी वीडियो में। तो अलकनंदा नदी आज बहुत ही मटमैली आ रही है, लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है लेकिन यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लग भी नहीं रहा है कि अब ठंडियों का मौसम आने वाला है और वैसे तो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू होनी चाहिए लेकिन ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। सबसे पहले तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जब भी बारिश होगी उसी के बाद ठंडी होगी। और ये देखो मटमैली हो रखी है अलकनंदा नदी। टाइम का पानी आता है, सुबह को भी आता है पानी और शाम को भी आता है। तो कपड़े धोने के लिए थे तो दीदी कपड़े धो के अभी आ रही है। ये देखो, और उससे कोई कुछ बातचीत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बजने वाले हैं और धूप अभी थोड़ी थोड़ी है, मतलब अभी थोड़ी कम है क्योंकि बादल लग रखे हैं। आज इसे बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो इतनी तेज़ धूप लग रही ना, क्या बताएं। अब बारिश का तो नाम और निशान ही नहीं है। मैं अभी यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कपड़े धोए, मैं सो रखी थी ना दिन में, नहीं तो मैंने दिन में धो देने थे, पर मैंने कहा कि शाम को ही धो देते हैं क्योंकि शाम को कपड़ों पर ज़्यादा धूप नहीं लगती ना, नहीं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा धूप में, इसलिए मैं शाम को धोती हूँ, रात में वो सूख जाते हैं। मेरे पीछे सनसेट हो रहा है और ये देखिए बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ श्रीकोट में, पहली बार देख रहा हूँ मैं सनसेट होता हुआ। ये देखिए पूरा सेट हो गया है, ये देखो पूरा छिप गया है, अब थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। और पता है आपको टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 6:30 हो रही है और सनसेट हो गया है और हम कब होंगे सेट, अब देखते हैं कब होते हैं हम सेट। आया तो दीदी लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं और दीदी व्लॉग देख रही है। दीदी किसका व्लॉग है ये? कूल पहाड़ी का व्लॉग देख रही है दीदी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ पूनम दीदी के यहाँ। वहाँ मम्मी ने घर से चार्जर भेज रखा था और 2-3 दिन हो गए, मैं टाइम ही नहीं मिला, हम गए भी नहीं वहाँ, और आज जा रहा हूँ मैं चार्जर लेने के लिए। और ये देखिए, ये रोड में पहुँचने वाला हूँ मैं, ये रोड है। वैसे दोस्तों हमारे घर से ये लोग घर थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और
दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है दीदी। वो किराए पे रहते हैं, वहीं जा रहा हूँ मैं और दीदी से भी मिलाते हैं आज। उनकी तीनों बेटियाँ हैं तो तीनों बेटियों से मिलाता हूँ। तो बेटे से आप पहले मिल चुके होंगे और एक से अभी मिलाता हूँ मैं दीदी के कमरे पे। यह दीदी का कमरा और वो देखो खिड़की से देख रही है मुझे। ये देखो यहाँ अंदर से चलते हो अंदर की ओर। आमी मेरे झामताम जिंदादी तभी गड़दा, आम मेरे झामताम जिंदादी तभी गड़दा। चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे है अमरूद का पेड़ और यहाँ पे अमरूद हो रखे हैं। ये है अमरूद, देखते हैं अमरूद में कीड़े हैं या ठीक है। दोस्तों आप मेरे पीछे हरा हरा देख रहे होंगे तो ये जो बड़े बड़े पौधे की है ये है। ये क्या है? ये तोर की दाल है और ये है तिल। ये तिल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है तिल, ये है तोर और ये है उड़द। उड़द, ये उड़द दाल है। दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक से ये उड़द दाल और अरबी के पत्ते। ये हैं अरबी के पत्ते, ये रहे अरबी के पत्ते। बहुत सारे अरबी के पत्ते हो रखे हैं। दोस्तों इस खूबसूरत से मौसम में अमरूद का मज़ा लेते हैं। तो अमरूद बहुत ही टेस्टी हो रहा है और ये दीदी लोगों का कमरा है और कमरे के बगल ही पे रोड लग जाती है। और ये देखो यहाँ पे एक डॉगी भी है। यहाँ पे देखो ये है काला काला, मुझको देख के भौंक रहा है। और मैं अभी अभी आ रहा हूँ, आपने जैसे देखा ही होगा दीदी नीचे हुए सीढ़ियों में बैठ के चाय पी रही है। दीदी को शरम आ रही है वीडियो में आने के लिए तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। दीदी की लड़की है और बहुत ही ज़्यादा शरमा रही है। वैसे तो नहीं शरमाती हमको देख के, लेकिन कैमरे में आने से शरमा रही है। तो यहाँ ठीक सामने पे पाँच मंजिल का वो मॉल बन रहा है। यहाँ आगे ये मॉल है, पता नहीं कितना मंजिल बनता है। अभी तो केवल पाँच ही मंजिल बना है, अभी तो पता नहीं कितना बनता है। दोस्तों 7:30 हो गए हैं और मैं अभी यहीं पे हूँ दीदी के घर में। तो अब जाऊँगा मैं 8 बजे करीबन, तो मैं यहीं हूँ। और इस ये बोल रही मुझे वॉशरूम लग रखी है, तो ये वॉशरूम जा रही है। और इसने कहा कि आजकल यहाँ बाघ भी लग रखा है तो ये डर रही है, तो मैं इसके साथ आ रखा हूँ यहाँ नीचे है। और हम अभी छत में थे तो दीदी की दोनों लड़कियाँ भी आ गई हैं, उनसे भी मिलाता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं छत में, बैठ रखे थे और यहाँ से हम वहाँ देख रहे थे, एकदम बढ़िया लग रहा था। गाड़ियाँ देख रहे थे हम। तो अब जो चार धाम यात्रा थी वो भी कम हो चुकी है, तो अब ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। और इन दोनों को देखो यहाँ, मज़े तो इनके हैं, बचपन में है होते हैं जिसके मज़े होते हैं, है ना दीदी? दीदी मेरे पीछे पीछे आ रही है। दीदी बोल रही मुझको मत निकालना वीडियो में, मैंने कहा ठीक है नहीं निकालूंगा। इसको देखो, बोलिए। सो गाइस, तो रात की 8 बज गई हैं और मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, तो अब जा रहा हूँ मैं घर। और रात भी बहुत हो चुकी है, यहाँ बाघ का डर भी है। और ये कैमरा मैन है, क्या है नाम, वैष्णवी उनियाल, आपने इसको ब्लॉग में देख ही रखा होगा। तो ये देखिए आगे से ये पता नहीं क्या बना, ये दिल होता है। अच्छा, दिल हो रहा है। अब जा रहा हूँ मैं घर और जो सामान लेने आ रखे थे वो सामान लेते हैं और चलते हैं हम घर की ओर। और लास्ट में इनको भी देख दीजिए, ये शर्मा रहे थे। ये है दीदी और ये उनके दो बच्चे। दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर और मैंने चादर भी ले लिया है, दीदी चादर लेने जा रखी है। तो हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो आप चादर ला गई दीदी, चार तो दीदी पानी लेके आ गई है। आप पानी घटकाते हैं, हम तू पिएगी पानी? मैं पीऊंगी। हाँ ले पी, चल जुड़े चादर। दोस्तों तो आ गया हमारा चार्जर, ये है चार्जर। देखा नहीं होगा जैसे आपने कभी निकाला, आपने देख रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। ये चार्जर लेने के लिए आ रखा था मैं इतनी दूर।
कितने 1 किलोमीटर आ रहा हूँ मैं इतनी दूर ये चार्जर लेने के लिए। बस कोई बात नहीं, बढ़िया लगता है मुझे, यहाँ बहुत टाइम पास हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं घर जा रहा हूँ और रात भी बहुत हो चुकी है और मिलता हूँ अब आपको सीधे घर में। घर में होगी बात क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं रहेगा, 15% चार्ज रखा है और अब घर में करता हूँ मैं आपसे सीधे बात, चलते हैं घर की ओर। घर पहुँच गया हूँ और बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।